नमस्कार दर्शकों, मैं नाजमा अब्दी, स्वागत है आपका न्यूज 30 एक्सप्रेस में। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। ललितपुर जिले के प्रभारी मंत्री भारतीय जनता पार्टी के गिरीश चंद्र यादव द्वारा आज जनपद का दौरा किया गया। अपने दौरे में प्रभारी मंत्री ने जिला चिकित्सालय ललितपुर में बनाए गए कोविड-19 सेंटर के L1 और L2 सेंटरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ICU में भर्ती कोविड-19 मरीजों और वेंटिलेटर पर मौजूद कोविड-19 मरीजों की स्थिति को भी जाना और उनकी स्थिति में सुधार की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 सेंटर के ICU और वेंटिलेटर पर मरीजों की उचित देखभाल डॉक्टर और नर्स द्वारा की जा रही है। सेंटर में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और अन्य संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जनपद में 5 स्थानों पर कोविड-19 की जांच भी की जा रही है और जिला अस्पताल में सही तरीके से वैक्सीनेशन का काम भी किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री ने जिला चिकित्सालय की कोविड-19 सेंटर की रसोई का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने समस्त व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताया। इस दौरान प्रभारी मंत्री रसोई में लगे बोर्ड, जिस पर लिखा था जूते पहनकर अंदर जाना मना है, को नजरअंदाज करते हुए जूते पहने ही अंदर चले गए। जब हमारे संवाददाता ने उनसे रसोई में जूते पहनकर जाने की बात पूछी तो मंत्री जी ने कहा कि रसोई में उस समय काम हो चुका था और सफाई चल रही थी, इसलिए वे अंदर जूते पहनकर चले गए। प्रभारी मंत्री के निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला चिकित्सालय ललितपुर के कोविड-19 सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के सेवायोजन एवं श्रम मंत्री मनोहर लाल पंत समेत सदर विधायक ललितपुर राम रतन कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। निरीक्षण किया है L1 का भी, L2 का भी, ICU और वेंटिलेटर के जो भी पेशेंट है वो ठीक हैं। सब लोगों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सभी डॉक्टर्स और हमारे फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, एनएम, जेएनएम जो भी हैं वो सब लगे हुए हैं और इलाज समुचित ढंग से हो रहा है और हमने सबसे पूछताछ किया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दवाओं की पूरी उपलब्धता है और दवा सबको मिल रही है। यहाँ वैक्सीनेशन की भी कार्रवाई चल रही है, इसके साथ साथ उनकी जांच भी हो रही है। अभी तक जो है 81 जांच एक टेबल पर मैंने देखा, एक जो बनी हुई है, ऐसे 5 स्थानों पर जांच चल रही है और पूरे कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखकर जो है बनाया गया है और ठीक काम चल रहा है। किचन में आपने निरीक्षण किया सर, क्या पाया? किचन में भोजन चूँकि वितरित किया जा चुका है, फिर भी वहाँ जो है हम लोगों ने देखा कि अभी बचा हुआ था रोटी भी, सब्जी भी, दाल भी, और भी कोई पेशेंट होगा। उसमें किचन में एक बोर्ड लगाया था कि जूता चप्पल पहन के बाहर जाएं, उसकी बात भी मंत्री जी आप जूता चप्पल पहन के अंदर गए, इसमें आप क्या कहेंगे? खत्म हो चुका था भाई, इसके बाद सफाई होगा।